अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर या कन्वेंशंस के ऊपर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं भाई? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिस होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिसकी बेसिस पे हमें अकाउंट्स को बनाना है। और अगर इन बेसिस को हम फॉलो ना करें तो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं बनेंगे। हमारे अकाउंट्स, अगर टेक्निकल टर्म में यूज़ करूँ तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो करेंगे। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब? अकाउंट्स जैसे हैं वैसे शो नहीं करेंगे, और अकाउंट जो है वो ट्रू पिक्चर नहीं शो करेंगे अपने यूजर्स को। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने सुना होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, और डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट है। अभी हम यहाँ पे एक एक करके ये कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस कर लेंगे विया क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, अ सोल ट्रेडर परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम एन ऑफिस सप्लायर। क्या क्या खरीदा? कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर सिस्टम, डॉक्यूमेंट, श्रेडर। श्रेडर क्या होता है? एक मशीन होती है। अगर आपके पास पेपर है और कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल पेपर है जो अब आपके यूज़ में तो नहीं है, लेकिन आप नहीं चाह रहे कि कोई और उसको मिसयूज़ करे, तो आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डॉक्यूमेंट श्रेडर में डाल देते हैं। आपने शायद मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, और ऑफिसेज में भी यूज़ होता है। अगर प्रैक्टिकली आप किसी ऑफिस में देख सकते हैं तो उसको पेपर को जो है वो काट देता है, छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि आपको मैन्युअली पेपर फाड़ने नहीं पड़ते, और उसमें कोई चांस नहीं होता कि दोबारा पेपर जुड़ जाए। तो डॉक्यूमेंट श्रेडर हो गया, स्टेपलर हो गया, चार चीज़ें खरीदी। कहता है, अप्लाइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी विच वुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट लगाकर आप बताएं कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ चार्ज होता है? इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ चार्ज होता है? बैलेंस शीट में एज अ नॉन करंट एसेट। मटीरियलिटी की अगर हम बात करें, जनरल टर्म में मटीरियलिटी की बात करें, तो मटीरियल अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो मेजर अमाउंट होता है। सही है, अकाउंट्स में मटीरियल अमाउंट वो होता है जिसकी बेसिस पे जो यूज़र है उसका डिसीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मटीरियल होगी कब? जब यूज़र उसके ऊपर बेस करके अपना फैसला बदल ले, एक्स या वाई। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल भी मेरे जहन में आई। फॉर एग्जांपल, एक जो है वो मदर है, वो अपने बेटे की शादी करना चाह रही है। तो अब उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये कि भाई वो जो लड़की है जिसको वो अपनी बहू बनाना चाह रही हैं, उस लड़की को खाना पकाना आता है या नहीं आता। अब आप क्या समझते हैं किसी माँ के लिए क्या ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल है या नहीं है? देखो, कुछ लोगों के लिए तो होती है बहुत ज़्यादा, कुछ के लिए मटेरियल होती है। सही है, तो जो हमारी ट्रेडिशनल मदर्स हैं वो तो कहती हैं भाई अगर लड़की को खाना नहीं पकाना आता तो लड़की को कुछ आता ही नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है। तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी? मटीरियल। तो मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे दी कि मटीरियल क्या होगा। और हो सकता है कुछ ऐसी मदर्स हो जो थोड़ी सी मॉडर्न हो माइंडसेट में, तो वो बोलें कि यार खाना नहीं पकाना आता तो क्या हो गया, तो हम उसको सिखा देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो वो फिर एग्री कर लेंगी। तो यहाँ पे मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकली मटीरियलिटी को, अगर हम अप्लाई करें, वो अमाउंट जो बड़ा अमाउंट है भाई, देखें फॉर एग्जाम्पल आप कैलकुलेटर खरीदते हैं। आप सारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर कि आपके पास एक कैलकुलेटर होगा। अब वो जो कैलकुलेटर है वो एज अ नॉन करंट एसेट है, टेक्निकली देखा जाए तो उसकी लाइफ एक साल से ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेटर का अमाउंट चूंकि बहुत कम होता है, तो अगर एक कंपनी कैलकुलेटर खरीदती है तो उसके लिए मटीरियल अमाउंट नहीं है। जैसे यहाँ $10 का कैलकुलेटर खरीदा, तो वैसे तो वह एसेट है, लेकिन हम अकाउंट्स में उसको क्या ट्रीट करेंगे? एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि छोटा मोटा अमाउंट है। कौन कैलकुलेटर के लिए अलग अकाउंट खोले? कॉस्ट का अकाउंट। आपने अगर डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ा है उसके लिए फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या जिसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसका अलग अकाउंट खोलेंगे। फिर हर साल आप उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। जब ईयर एंड पे कैलकुलेटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, डिस्पोज होगा, तो फॉर एग्जांपल स्क्रैप करेंगे, तो उस पर हम गेन या लॉस निकालेंगे। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बजाय इसके कि इतनी आप कहानी करें, आप कैलकुलेटर को डायरेक्टली कहाँ ट्रीट करते हैं? एज एन एक्सपेंस। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पे तीन अमाउंट बहुत माइनर हैं, जैसे कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट श्रेडर और स्टेपलर, तो इन तीनों को हम ट्रीट कर देंगे एज एन एक्सपेंस। और चूंकि कंप्यूटर सिस्टम की कॉस्ट बाकी चार के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, मेजर है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ नॉन करंट एसेट। तो अगर आप देखें यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होगा, कैलकुलेटर होगा, डॉक्यूमेंट श्रेडर होगा और स्टेपलर होगा। तो आंसर बन गया हमारा सी,
सही है। तो अब यहाँ पे कोई लिमिट डिफाइन नहीं है मटेरियलिटी, हर कंपनी अपने हिसाब से मटेरियलिटी क्या करती है, डिसाइड करती है। भाई देखें, ये भी हो सकता है एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, सही है ना, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल $1,000 का भी क्या हो जाए, एक मटेरियल हो जाए, और एक जो छोटा सोल ट्रेडर है उसके लिए कोई $50 का कोई पुराना सा कंप्यूटर, ₹5,000 वाला भी, पान केबिन वाले के लिए तो ₹5,000 या ₹10,000 भी क्या है, एज अ नॉन करंट असेट। तो मटेरियलिटी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और जो है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सही है ना। इसकी एक और मिसाल भी हो सकती है कि एक अमीर आदमी है, उसका अगर ₹5,000 गिर जाता है तो वो 2 मिनट इधर उधर देखेगा, नहीं मिलेगा, वो बोलेगा यार दफा करो, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए ₹5,000 क्या इमटीरियल। लेकिन एक मजदूर के लिए अगर ₹1,000 भी गिर जाते हैं, जो ₹1,000 समझ लें उसकी पूरे हफ्ते की इनकम है, तो वो ₹1,000 के लिए जो है वो 2-3-4 घंटे भी लगा सकता है, पूरा दिन भी लगा सकता है, अगर उसको उम्मीद हो कि वो ₹1,000 मिल सकते हैं, सही है। तो ये थोड़ी सी बातें